यहाँ से मिलती है भाई। आप बहुत सारे सवाल करते हैं, आपको हिंट्स भी मिलती जाएंगी कि और कौन सी आगे रेसिपीज आ रही हैं। साइमा कुछ ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हैं आपको, शी इज गोना बी टेलिंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नहीं, मैं कभी ऑफिस में सोने का दिल चाहता ना, मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे यूँ करके झूला चल रहा। यहाँ पे मैं बाद में जाऊँगी जब कैमरा बंद होगा। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, दिस इज माय फेवरेट सेक्शन ऑफ ऑल। आप लोगों का हमेशा कंप्लेन होती है कि मेरा गोश्त जो है वो जूसी नहीं रहा, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस। जो कीड़े लग जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं या मॉथ वगैरह आ जाते हैं, तो उससे कैसे सेव रख सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्नैक, बट मैं थोड़े खाता जरूर हूँ। रमजान में काफी रेसिपीज में यूज होता है। ऑफिस में मक्खियाँ जो होती है ना, उसके लिए हमने ये इलाज करना होता है हर महीने, उसके लिए भी हमने ये ले लिया। स्पा बनाएंगे स्टूडियो में। हमारे ऑफिस के बाहर एक बिल्ली है, उसके लिए भी कुछ खाना ले लेते हैं। यहाँ पे पेट सेक्शन वो ये नहीं खाएगी। ये पर्स मेरा नहीं है, लोग मुझ पे शक करेंगे। देखा, ये देखो, ये देखो। इस उम्मीद के साथ कि कराची में गैस जल्दी वापस आ जाएगी, मैं ये भी खरीद रहा हूँ। चले आज, चले प्लीज, चले, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। हम कुछ बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे जी गाड़ी में कैसे बैठ के आज की वीडियो शुरू हो रही है, नॉर्मली रेसिपी वीडियोस नजर आती हैं। आज हमने फैसला किया है आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन ले जाएंगे, अपना ग्रोसरी शॉपिंग एक्सपीरियंस सब शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, एंड वी आर गोना शो यू कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हमारे नेबरहुड में एक स्टोर ओपन हुआ, उसका नाम है स्पार। स्पार, जो लोग इंटरनेशनल हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि स्पार इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मार्केट चेन्स इन द वर्ल्ड, एंड तकरीबन 14,000 उनके स्टोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं भी जब दुबई गया था मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये वाला स्टोर जहाँ पे हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब ओपन हुआ है, और DHA फेज 6 फेज 8 के जो रेजिडेंट्स हैं कराची में उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है। टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, हम आ गए हैं स्पार पे, विच इज आवर नेबरहुड सुपरमार्केट, और यहाँ से हम अपने ऑफिस के लिए भी ग्रोसरी करेंगे, घर के लिए भी ग्रोसरी करेंगे। साइमा कुछ जबरदस्त टिप्स देने वाली है आपको, शी इज गोना बी टेलिंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल यू आर ग्रोसरी शॉपिंग। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। साइमा वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में जाएंगी और मैं मीट लेने जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल वाले सेक्शन में आ रहे हैं, साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको देने वाली हूँ। गर्मियाँ आने वाली हैं, यहाँ पे आते ही एक बहुत फ्रेश सी फीलिंग आती है। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज, बहुत नाइसली साफ़ सुथरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और तकरीबन जो भी शूट के लिए आपको चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ से मिल ज़रूर जाती है, तो ये बहुत यहाँ की एक अच्छी बात है। आ जाए मेरे साथ, चल। अच्छा, सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पर टमेटोज़ हैं। अगर टमाटर बिल्कुल लाल हैं, राइप हैं, तो फ्रिज में रख दें या फिर फ्रीज़ कर दें, और अगर थोड़े ग्रीन हों तो फिर आप इनको काउंटर पर रख सकते हैं ताकि राइप हो जाए और फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा टमेटो प्यूरी, टमेटो केचप, टमेटो पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस, ये सब चीज़ें हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लिंक्स भी हम नीचे मेंशन कर देंगे आप लोगों के लिए। फूड फ्यूजन पे देखेंगे तो आपको सारी उसकी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। हमारी वीडियोस में जब भी हम हर्ब्स की बात करते हैं, इटालियन हर्ब्स हो गए, फ्रेश हर्ब्स हो गए, जिसमें पार्सले हो गया, रॉकेट लीव्स हो गए, बेजल लीव्स हो गए, तो वो हमेशा आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आप जाएंगे तो एक सेपरेट सेक्शन होगा जहाँ पे वो होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सेक्शन यहाँ पर मौजूद है और मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो तकरीबन मुझे यहाँ पर सारी नज़र आ रही हैं। जैसे हमारे रेगुलरली हम आइसबर्ग तो अपने लंच और उसके लिए ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे मुझे आइसबर्ग नज़र आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फ्रेश हर्ब्स में देखें, अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि धनिया फ्रेश कैसे रख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आप रोज़ रोज़ नहीं ले सकते हैं। तो धनिया के लिए बहुत आसान टिप है कि धनिया को कभी भी धोएं नहीं, जब भी आप लेकर आएँ एक बॉक्स लें, उसमें टिशू पेपर रखें या किचन टॉवल पेपर जो होता है वो रखें और कवर कर दें। ये आराम से आपके 2 से 3 हफ्ते विदाउट कोई ब्राउन नहीं होगा, बिल्कुल सही आपके धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, वो सब आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। इसी तरह आगे फिर मैं आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं, रोजमेरी, पार्सले हो गया, ये आपके लाइम लीव्स हैं, ये आपके बेजिल लीव्स हैं, फ्रेश हर तरीके, हर जो हर्ब्स हम बोल रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी आपने देखा होगा, फिर मशरूम्स की डिफरेंट वेराइटी यहाँ पे मौजूद है, चेरी टमेटोज यहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें आपने हमारे शूट्स में अक्सर देखी होंगी और यहाँ पे सारी मौजूद हैं। ऑरेंजेस भी ले लेते हैं, विटामिन सी डोज हमारा,
ऑरेंजेस के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये किचन काउंटर पे रखना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लेमन नज़र आ रहे हैं, मैं वो ज़रूर ले रही हूँ। मुझे शॉप पे मिल सकता है? थैंक यू। नहीं नहीं, मैं थैंक यू, मैं खुद ही ले रही हूँ। ये मुझे वेट करके दे दीजिए प्लीज़। यहाँ पे मुझे सैलेड की एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, खूबसूरत भी बहुत लगती हैं, प्लेटिंग में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और वैसे भी खाने में भी मज़े की होती हैं, तो मैं इनको भी कुछ को चूज़ कर ली लूँगी। नहीं सही है, ये मुझे वेट कर दे। और चाहिए ना? थैंक यू। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, मीट सेक्शन, दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन ऑफ ऑल। हर तरह का कट इनके पास मौजूद है, हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, मोबाइल पे रेसिपी दिखानी है, वो आपको कट निकाल के दे देंगे, नहीं होगा तो बना के दे देंगे। यहाँ पे मेरे साथ बाबर साहब मौजूद हैं, ही इज़ द हेड बुचर एंड काफ़ी ट्रेन स्टाफ है इनका। आपको ये कट्स देख के ही पता चल जाएगा कि दी आर रियली वेरी नाइसली डन। मैं ये बाय कर रहा हूँ, बाबर साहब मुझे बताएं, क्योंकि द बोटी परफेक्टली कट हुई हुई है, इसके कट करने में क्या ख़ास बात होती है, क्यों इसको इसी तरह से कट करना ज़रूरी होता है? इसलिए कट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका जो साइड में जो रेशा कटता है इसका, इससे ये कि थोड़ा सा ये अच्छी उसका लुक भी आता है और ये कि थोड़ा जल्दी कुक भी हो जाता है, कुकिंग सही होती है, कुकिंग सही हो जाती है। सो ये देखें, आपने एक बात सुनी कि अगर आपने कट यूँ किया है और इस तरह से कट करेंगे, यूँ करना चाहिए और इस तरह से कट किया है, तो फ़र्क क्या होगा? कुक थ्रू नहीं होगा, जो रेशा है ना, द मसल फाइबर ऑफ द बॉडी, वो सही से कट नहीं होगा तो इट विल नॉट कुक थ्रू प्रॉपरली। और आप लोगों का हमेशा कंप्लेन होती है कि मेरा गोश्त जो है वो चुही हो गया है, कड़क हो गया है, जूसी नहीं रहा, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ये कट सही नहीं हुआ होता। आई एम गेटिंग सम बोनलेस बोटी। एक और चीज़ मैं बाय कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग सम व्हील मिंस। ये भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बाबर साहब, इसके बारे में बताइए, आप कुछ मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि देयर इज़ अ टिप अबाउट कीमा। सर, सबसे पहले गलती कस्टमर ये करते हैं कि इसको वॉश कर लेते हैं, इसके जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ज़ाय हो जाते हैं। हम यहाँ पे पहले से इसको ऑलरेडी वॉश करके फिर इसका मीन्स निकालते हैं। ओके, सो बाबर साहब ये बोल रहे हैं कि जो कीमा है, जब भी आप कीमा खरीदते हैं, सही जगह से खरीदें जिसने बोटी को वॉश करके कीमा बनाया है। कीमे को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कीमे को वॉश करेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ द मीट वो सारे चले जाएंगे। बोंग का गोश्त है निहारी के लिए स्पेशली, पहले से ही कट मौजूद है। यू हैव दी स्मॉल पीसेस, इससे खाउसे भी बड़े अच्छे बनते हैं। अगर आपने कहीं फिलिंग्स बनानी है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। ये स्ट्रिप्स देखें, इफ़ यू मेकिंग सम ग्रिल्ड बर्गर के फिलिंग बना रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट। ये स्टेक्स हैं, दिस इज़ व्हील सिरलॉइन स्टेक, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपने पहले कभी नहीं देखी कि ये व्हील टोमोक स्टेक है, समझे कि ये कोई चॉप होती है मगर ये व्हील की चॉप है, एंड दिस इज़ वेरी बिग, बड़ा अच्छा स्टेक बनता है इसका। व्हील स्ट्रिप्स हैं, थोड़ा सा इसमें फैट के साथ है ताकि जब ये कुक थ्रू हो तो फ्लेवर अच्छा है। ये स्टेक पीसेज हैं, इसमें फैट का कॉन्टेंट भी है विच इज़ गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ फ्लेवर। अच्छा, ये चीज़ देखें, स्टेक्स हैं, अगर स्टेक को आप अनइवनली कट करते हैं, कहीं से मोटा होता है कहीं से पतला होता है, कोई ऐसा पहले पक जाएगा कोई बाद में पकेगा, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। पसंदे भी बने हुए हैं, पहले से ही पसंदे का कट है, देखिए कितना खूबसूरती से बिल्कुल थिनली उसको प्रॉपरली वो हैमर किया हुआ है। बर्गर पैटी भी बना के रखे हुए हैं प्रॉपरली रेशो के अंदर, बर्गर पैटी जो बर्गर पैटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो भी बनी हुई है। मटन लेग है, दस्ती है, मिक्स बॉटी अवेलेबल है, चॉप्स हैं, यू हैव होल चिकन विद स्किन, विंग्स है विद स्किन, विदाउट स्किन, ड्रम स्टिक्स। ये देखिए थिनली कट है, पहले से ही आपके लिए, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। कीमा बना हुआ है, बोनलेस चिकन थाई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको ढूंढने में होता है कि वो बगैर बोन के आपको चिकन थाई मिले। ये नॉर्मली आपकी फिलिंग्स वगैरह में बहुत जूसी सा वो देती है, दिस इज़ वेरी गुड। चिकन ब्रेस्ट प्रॉपर ये बना हुआ है, होल चिकन परफेक्ट साइज़ है, होल चिकन को आपने वो चरगा बनाना है करना है, ये तकरीबन 1 किलो 1100 ग्राम की ये है। सारे कट्स मौजूद हैं, यू हैव कढ़ाई कट, यू हैव कोरमा कट, यू हैव बिरयानी कट, सारे अवेलेबल हैं। ये मटन ट्रॉटर्स भी मौजूद हैं। अच्छा बाबर भाई, ये हम जब पाए बनाते हैं तो हमें इन पे कट करना होता है, तो ये आप कट भी करके देते हैं? कट भी करके देते हैं सर, इसको नॉर्मली छुरे से इस पे कट्स लगा के देते हैं, जो उसकी नली होती है उसको ब्रेक कर देते हैं कि गुदा उदा आराम से निकल जाए। ओके ओके, और ये भी, ये तो इसको तो कट करना घर में बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन। सर, हमारे पास बहुत सा मशीन है, अब हम प्रॉपर जो है ना अच्छा काट के देते हैं, इसमें शीर्षे वगैरह नहीं आती। ओके गुड गुड, तो वो जो आप हमारी वीडियोस में देखते हैं कि परफेक्टली यू जो बोन है वो कट हुई हुई है, तो इसी तरह की मशीन पे कट होती है, एंड यू फाइंड द परफेक्ट कट एवरी सिंगल टाइम। बड़ा खूबसूरत सा कट किया हुआ, ये क्या चीज़ है?
सर ये जो है हमारा ये कहलाता है आई राउंड होता है ये इसका, हाँ ये हम इसका रोस्ट वगैरह में भी यूज़ होता है, ग्रिल के ऊपर भी हम इसको बना सकते हैं, इसको मैरिनेशन करके इसका ही बड़ा अच्छा फ्लेवर निकलता है। ओके गुड गुड, ये ग्रिलिंग वगैरह बारबेक्यू में अच्छा लगता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। हमने कुछ अपने शूट्स के लिए चीज़ें लेनी है, आपको हिंट्स भी मिलती जाएंगी कि और कौन सी आगे रेसिपीज आ रही हैं। सो वी आर गेटिंग सम ब्रेड यहाँ से मिलती है भाई, आप बहुत सारे सवाल करते हैं, वी गेट ब्रेड ओवर हियर, कुछ मैं क्रोसॉन्स ले रहा हूँ एंड आई एम आल्सो गेटिंग होल व्हीट टॉर्टियास, ये भी यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने साइमा की ट्रॉली में डाल दिए। बाकर खानी तो नहीं चाहिए हमें शूट के लिए, घर के लिए एक पाव केक क्रस्ट प्लीज पैक कर दें यहाँ से। ग्लूटेन फ्री ब्रेड फ्लोर ये भी अवेलेबल है फॉर दोज हु कीप ऑन आस्किंग, आप सिर्फ ये फ्लोर यूज करना है, रेसिपी सेम रहेगी, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगी। अब हम आ गए हैं लेंटिल्स और ग्रेन्स के सेक्शन में, जहाँ पे सारी दालें बीन्स छोले वगैरह सब यहाँ पर हैं। ठीक है, इनके लिए एक बहुत अहम टिप है, अगर आप लेकर रखते हैं घर में स्टोर कर रहे हैं तो इनको कैसे जो कीड़े लग जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं या मौत वगैरह आ जाते हैं, तो ग्रेन बीटल्स इस तरह की चीज़ें तो उससे कैसे सेव रख सकते हैं, तो उसके लिए बे लीव्स, तेज़पात या तेज़पत्ता बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आप दो दो तीन तीन हर कंटेनर में डाल दें। जैसे कि आपने जैसे कि कोई दाल है उसमें दो तीन पत्ते डाल दिए, उसके कंटेनर में डाल दिए, नहीं आएंगे, गारंटीड कोई कीड़ा कुछ भी नहीं होगा और वो फ्रेश रहेंगी फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हम छोले ले रहे हैं। ठीक है, छोले बहुत ज़रूरी हैं रमज़ान के लिए, वो हम ले रहे हैं। अच्छा, इनको बॉयल करके स्टोर कैसे करते हैं उसका लिंक नीचे दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखिएगा कि कभी भी एक साथ बॉयल करके एक पैक में नहीं रखना है उनको, जिप लॉक बैग में अपने सर्विंग साइज़ के हिसाब से उसको स्टोर करें। जैसे कि अगर दो लोगों के लिए बनाना है, चार लोगों के लिए बनाना है, तो उस सर्विंग के हिसाब से आपने स्टोर करना चाहिए, ताकि बार जब आप एक दफ़ा वो फ्रीज़ हो गया तो बार बार निकालना करना बहुत मुश्किल होगा, तो हमेशा सर्विंग साइज़ में ही स्टोर करना चाहिए। इसके बाद ये हम ले रहे हैं काला चना, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें हैं, दालें वगैरह बहुत अच्छे से पैक हुई हुई हैं, साफ़ सुथरी दालें हैं, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो ये चीज़ बहुत यहाँ की अच्छी है। अच्छा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप लोग पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, स्पेशली हर्ब्स हो गई, मसालों में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हम वी आर वर्किंग विद स्पा के जो भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हो वो यहाँ पे अवेलेबल करें। अभी ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, मगर मज़ीद अगर चीज़ें होंगी तो वी विल मेक श्योर कि वो यहाँ पर जब भी आप लोग स्पा में आए तो आपको वो नज़र आए। काफ़ी सारे हर्ब्स मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में, इटालियन रेसिपीज़ में, पास्ता की डिशेज़ में, स्टेक्स में, जिसमें ये एक मुझे नज़र आ रहा है टैरागॉन, ड्राई टैरागॉन लीव्स और रोज़मेरी लीव्स, फिर आपके ये थाइम भी नज़र आ रहा है, उसके अलावा सन ड्राइड टमेटोज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये कैंड नहीं है, कैंड में ऑयल भी होता है, ये ड्राइड टमेटोज़ हैं, ये भी डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं, रेडी टू ईट भी हैं और इनको आप रेसिपीज़ पास्ता में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये इनका है बेकिंग सेक्शन, मोस्टली जो बेकिंग की चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको मिल रही होंगी, सिरप्स भी हैं और बेकिंग की डिफरेंट चीज़ें भी हैं, मगर एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी रिसेंटली हमने एक दो रेसिपीज़ रिलीज़ की थी जिसमें हमने एसेंस यूज़ किए थे, तो वो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि किस तरह होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट एसेंस ऑलरेडी रखे हुए हैं, हमने अभी रिसेंटली ये स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज़ किया था, ये यहाँ पर मौजूद है, और फिर पिस्ता एसेंस ये भी यहाँ पर है, इसी तरह अगर आप बिरयानी और डिफरेंट एसेंस जो यूज़ हो रहे होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, कॉमनली अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुझे कॉर्न सिरप भी नज़र आ रहा है, बेकिंग सिरप भी नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे मीठों में मिठाइयों में यूज़ होता है, यहाँ पे नूडल्स, पास्ता, ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, हर तरह का पास्ता नज़र आ रहा है मुझे। टैबास्को सॉस के बारे में आप लोग पूछते हैं, हलाल ऑयस्टर सॉस के बारे में आप पूछते हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, इम्पोर्टेड की बहुत अच्छी रेंज है, यहाँ पे ना हर चीज़ एक जगह पे मिल जाती है, हमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, टाइम होता नहीं है, सुबह सुबह 8 बजे खुलता है, स्कूल बच्चों को छोड़ा यहाँ पे शूट के लिए ग्रोसरी करी एंड वी आर ऑफ टू द स्टूडियो टू शूट अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। रोज़ जो मैं सैलड खाता हूँ उसमें ताहिनी पेस्ट जाता है, उसकी रेसिपी भी हमने अपने चैनल पर दी हुई है, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो आप ये बाय भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। रमज़ान आ रहा है तो पूरा एक केचप का पाउच भी लाजमी है। वी गेटिंग सम ऑलिव्स, न्यूटेला, मशरूम्स, ये भी आ गए, लोटस स्प्रेड भी हो गई, फ्रूट कॉकटेल ले रहे हैं, ये रमज़ान में काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होता है।
स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम भी हो गया। अंडे चाहिए, मैं ये वाले ले रहा हूँ। चलो चीज भी हो गई। वी आर गेटिंग टी बैग्स एज वेल, ये भी आ गए। ग्रीन टी भी हो गई। मिल्क पाउडर चाहिए था, वो भी हमारे पास आ गया। वी गोना गेट सम क्रीम। और क्या रहता है भाई? लाल शरबत, टैंग, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। ओके, बिस्किट्स भी हो गए, ये भी मैं ले रहा हूँ। रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ में ड्राई फ्रूट्स और मीठे जो बनते हैं वो यूज़ होते हैं। स्पार की बड़ी अच्छी पैकेजिंग में ये आते हैं। बादाम एंड पिस्ता रमज़ान की रेसिपीज़ में यूज़ होंगे। अच्छी क्वालिटी की ये अजवा खजूर है, टॉप, माई फेवरेट चिलगोज़े। ये मेरा स्नैकिंग टाइम के लिए होता है। आई नो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्नैक, बट मैं थोड़े खाता ज़रूर हूँ। ये पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन है, यहाँ पे आपको ओट्स हो गए, कीनवा हो गया, फ्लैक्स सीड हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही होंगी। डिफरेंट ऑयल्स हो गए, डिफरेंट जो भी नेचुरल चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ग्लूटेन फ्री चीज़ें हो गई, वो सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। पोटैटो स्टार्च हो गया, कुछ टाइम पहले हमने बाबा पर्ल्स बनाए थे विद टैपियोका फ्लावर, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टैपियोका फ्लावर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी आप देखें तो सारी नेचुरल और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हाउस होल्ड, बेबी केयर, पर्सनल केयर, ये सारी चीज़ें ऊपर है। चलो ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए सोप रिफिल्स ऑफिस के लिए और घर के लिए। ये रिफिल आ गया, सोप रिफिल मैंने डाल दिया। एक नहीं, हम मुझे घर के लिए भी चाहिए। चले घर के लिए, दूसरे कलर के ले लिया हमने। चले ठीक है। किचन टॉवल्स भी आ गए। चले यहाँ पे मैं बाद में जाऊँगी जब कैमरा बंद होगा। अच्छा, ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ये हम ले रहे हैं, ये डिस्पोजेबल वाले। जब कोई इंग्रेडिएंट्स या कुछ जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं वो बच जाता है खाना, तो वी ऑल गेट टू टेक इट होम एज़ वेल। सो उसके लिए हमें प्रॉपर, क्योंकि हम अच्छे खूबसूरत बर्तन अब हर किसी को घर ले जाने के लिए नहीं देते, सो वी हैव दीज, ये हम इसमें लेके जाते हैं। चले ज़िपलॉक बैग्स में एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप ख़रीदते हैं मेक श्योर कि वो फ्रीज़र सेफ़ है, वो हॉट फूड भी उसमें हो रहा हो, फ्रीज़र सेफ़ हो, वरना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अच्छी क्वालिटी का लें ताकि आपकी सेहत के लिए वो सही रहे। एल्युमिनियम फॉइल हमें चाहिए होगा। ऑफिस में मक्खियाँ जो होती हैं ना, उसके लिए हमने ये इलाज करना होता है हर महीने, उसके लिए भी हमने ये ले लिया। चलो चलो, सरान रैप हो गया, फॉइल हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। इस उम्मीद के साथ कि कराची में गैस जल्दी वापस आ जाएगी, मैं ये भी ख़रीद रहा हूँ। हमारे ऑफिस के बाहर एक बिल्ली है, उसके लिए भी कुछ खाना ले लेते हैं। यहाँ पे पेट सेक्शन, ये नहीं खाएगी, उसके लिए और कुछ ले लेंगे। क्या लेंगे? दूध तो देते ही है उसको। हाँ, दूध दे देंगे। अच्छा जी, हमें ऑफिस का जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको हमेशा हमें इक्विप रखना है, सो वी आर गोना गेट समथिंग। आज जावेद का कुछ ना कुछ वो हो रहा होता है, वो बड़ा ही लाइक्स पुटिंग सनी प्लास, जैसे बच्चे लगाते हैं ना, चोट लग गई, इसी तरह से जावेद बार बार सनी प्लास। सो वी गेटिंग दिस एज वेल। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, इसमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, ये भी प्लीज़ पैक कर दें। सारी ग्रोसरी हो गई है, मगर सैमा मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ गायब हो गई। पर आई थिंक आई नो वेयर दे आर। आओ मेरे साथ, इधर आओ, ये इधर होगी, देखा, ये देखो, ये देखो, सारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का सामान लिया जा रहा है। ये हमारे ऑफिस की ग्रोसरी का पार्ट नहीं है, कॉस्मेटिक्स वगैरह, क्रीमें वगैरह, सारी चीज़ें खुद लेते हैं। स्पा बनाएंगे स्टूडियो में। ये पूरी मैनिक्योर किट का सामान आ गया, विच विल मेक आर नेल्स लुक ब्यूटिफुल। यार ये बड़े साइज में नहीं आता, रिलैक्स करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। नहीं, मैं कभी ऑफिस में सोने का दिल चाहता ना, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यूँ करके झूला चल रहा। चले आज चले, प्लीज़ चले, लेट्स गो, देर हो गई है। अच्छा जी, ग्रोसरी शॉपिंग हमने कंप्लीट कर ली है, दो ट्रॉलीज फुल हो गई, ऑफिस के लिए भी चीज़ें ली, कुछ हमने घर के लिए भी ली हैं। एंड हमने हमारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वी रियली लाइक द फ्लो ऑफ द सुपर मार्केट, इट वॉज एवरी थिंग वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, हर चीज़ अपनी जगह पर, आपने सिर्फ साइन पढ़ने और आप बड़े आराम से नेविगेट कर सकते हैं। किसी भी बड़ी जगह से जाने से बेहतर है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, बिकॉज हम जल्दी, टाइम भी कम लगता है और आप थकते भी नहीं, और हर चीज़ मिल जाती है। यस, चीज़ जो है ना वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, यू आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, स्टाफ बड़ा हेल्पफुल है, कोई ना कोई खड़ा होता है। अच्छा, अब हमारी ग्रोसरी कम्प्लीट हो गई है, नीचे चलते हैं, अपनी दूसरी ट्रॉली उठाते हैं और चेकआउट पर जाते हैं।
ये पर्स मेरा नहीं है, लोग मुझ पर शक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, ये मैंने चेकआउट करना है, चीज़ें रखनी है। अरे वाह,